स्लाइड्स की मेगा हॉल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 250 से लेकर 1400 तक के बहुत सारे स्लाइडर्स देखने वाले हैं। अमेजिंग ब्रांड, अमेजिंग प्राइसिंग और सॉक्स के ऊपर स्लाइडर्स पहनने का जो विंटर में मजा है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है। तो पहले स्लाइडर आ गए हमारे पास और पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 250 वाले स्लाइडर से। क्योंकि हम 250 भी पे कर रहे हैं तो हमें ज्यादा बॉक्स ताम झाम कुछ नहीं मिलता, सिंपल सी पैकेजिंग मिलती है और ऊपर में आपको प्लास्टिक में ब्रांडिंग मिल जाएगी। ब्रांड का नाम है फुटॉक्स, नाइस नेम। स्लाइडर का पूरा अपर पार्ट टेक्सटाइल फैब्रिक से बनाया गया है, पूरा ब्लैक कलर का स्लाइडर है और ऊपर में ना ऐसे एडिडास टाइप की ना हल्की सी ना डिजाइनिंग क्रिएट की गई है। हालांकि उसमें सिर्फ 3 होते हैं, इसमें 5 है। वैसे बहुत ज्यादा खूबसूरत डिजाइनिंग लग रही है, सिंपल रखा गया है। वही अंदर में इसमें पैडिंग वैडिंग आपको तगड़ी मिल जाएगी, हल्की सी ना इसमें गम वाली ना स्मेल आ रही है। स्लाइडर का पूरा आउटर सोल रबर का बना हुआ है, ऊपर में आपको हल्के हल्के टेक्सचर्स मिल जाएंगे जिससे आपका पैर स्लिप नहीं होगा और नीचे में आपको हल्की हल्की ग्रिप मिल जाती है। ओवरऑल अगर इसके प्राइसिंग के हिसाब से देखे ना तो भाई 250 रुपए में खतरनाक चीज मिल रही है। और चूंकि ये ब्लैक कलर में है, आपके हर आउटफिट्स के साथ आराम से जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइडर आ गए हमारे पास में और इस वक्त में प्राइसिंग में आ गए हैं 300 के आसपास, लेकिन बता दूं कि 300 के अंदर ही है। अगर इस स्लाइडर को देखिए ना, इसमें भी आपको कोई ब्रांडिंग व्रांडिंग नहीं मिलती, लेकिन जब मैं ऐसे नजर घुमाता हूँ ना चारों तरफ की कौन कौन कैसे कैसे स्लाइडर्स पहनते हैं, सबसे ज्यादा पहने जाने वाला ये स्लाइडर है। क्योंकि ये एग्जैक्ट डिजाइन किया गया है एडिडास के यीजी स्लाइडर्स की तरह। पूरी बॉडी बहुत सॉफ्ट फोम से बनाई गई है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एंड कुछ नहीं लगता ये स्लाइडर। ऑफ व्हाइट कलर में यूज किया गया है, अमेजिंग लग रहा है। सेम यीजी स्लाइडर्स की तरह आपको नीचे में ऐसे करके वेवी टाइप के आपको ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे जो कि अच्छे होते हैं। वैसे इसमें ज्यादा ग्रिपिंग व्रिपिंग वाला लोचा नहीं होता। ओवरऑल देखो स्लाइडर बहुत ज्यादा सिंपल है एंड ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा फेमस स्लाइडर है। एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते ही होता है, साथ ही बहुत ज्यादा कूल लगता है आपके पैरों में। डेफिनेटली जा सकते हो पैर में पहन के, मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आपने देख ली होगी। हालांकि मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा ना, यहाँ पर साइड साइड में ना थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग में कमी थी, हालांकि वो बहुत ज्यादा मेजर इशू भी नहीं है। ऑलराइट, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया है हमारे पास में और इस वक्त हम प्राइस को टच कर रहे हैं 400 के थोड़ा सा अंदर। यहाँ पर आ जाती है ब्रांड्स। हम जो ब्रांड देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फ्लाइट। देखो फ्लाइट अपने आप में एक बहुत ज्यादा अच्छी तगड़ी कंपनी है। लोकल मार्केट्स में, ऑफलाइन मार्केट में ना इनकी पकड़ बहुत ज्यादा होती है। ऑलराइट, स्लाइडर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें मेजरली आपको 2 कलर देखने को मिलेंगे, एक है ग्रे एक है ब्लैक। ऊपर के अगर फ्लैप की बात करें ना, पूरा एक सिंगल फोम से बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा अटैच स्ट्रैप जैसा नहीं दिखेगा। ऊपर में आपको फ्लाइट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जहां पर आपका पैर रखाएगा वहां पर आपको पूरा ब्लैक कलर मिलता है। साथ ही बहुत सारे कट्स एंड टेक्सचर्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपके पैर में ग्रिपिंग आ जाती है। ऊपर का जो सरफेस है सॉफ्ट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि स्लाइडर पहनने के बाद हल्का हल्का ऊपर कट जाता है, पैर के आसपास में ना छिलन आ जाती है, तो कहीं भी इसके एजेस ना उतने शार्प नहीं लग रहे हैं। बहुत सॉफ्ट रबर यूज किया गया है। ऑब्वियसली देखो फ्लाइट है तो थोड़ा सा ब्रांडिंग वाला ना असर पड़ ही जाता है प्रोडक्ट्स पे। नीचे में भी आपको बहुत अच्छे ग्रिप्स मिल जाएंगे फ्लाइट की, यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल बड़ा ही ना रिच लुक के साथ आता है ये स्लाइडर। आई नो उसमें बहुत ज्यादा फैंसी आइटम्स या बहुत कूल कलर नहीं है, लेकिन अगर आप एक बेसिक टिकाओ तगड़ा स्लाइडर खोज रहे हो ना जो कि 400 के अंदर में आता हो, डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के लिए जा सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट देखने वाले हैं वो भी अगेन फिर से 400 के आसपास का देखने वाले हैं। वो थोड़ा 350 के ऊपर और 400 के बीच में था, ये एग्जैक्ट 400 के आसपास का है। सेम वही ब्रांड फ्लाइट, इस बार हमें एकदम मस्त ब्रांडेड बॉक्स मिलता है। रिलैक्सो यहाँ पर लिखा गया, आपको बता दूं कि रिलैक्सो की एक पेटेंट कंपनी है, दुश्मनी निकाल रहे हैं, एमआरपी यहाँ से ना छील के निकाल दिया है। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस, कितना ज्यादा खूबसूरत स्लाइडर लग रहा है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा फ्लाइट का ब्रांडेड टैग मिल जाएगा जो कि उसमें भी मिलता है। पूरा ब्लैक कलर का स्लाइडर है। ऊपर के स्ट्रैप की बात करें तो बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। फ्रंट में आपको ब्लैक मिलेगा, फिर व्हाइट है, वहीं उसके बीच में आपको फिर बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे जिसे वेंटिलेशन के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद वही सेम पैटर्न और ऊपर में फ्लाइट की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, इम्बोज्ड है, छू कर आप फील कर सकते हो। अगर इसका आउटर सोल की बात करें ना भाई, बहुत ज्यादा कुशनी है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाला इसमें रबर यूज किया गया है। आप सरप्राइज्ड हो जाओगे जब आप इसे पैर में पहनोगे, और ये 400 के अंदर में है। ऊपर में आपको फ्लाइट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, सेम नीचे आपको ग्रिप रिप मिलता है बहुत ज्यादा तगड़ा, फ्लाइट की आपको नीचे भी ब्रांडिंग मिल जाएगी। और अच्छी बात क्या है कि ये स्टिक्ड नहीं है, तो यहाँ पर आपको ना बड़े बड़े लॉकर्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली अब इसे क्या बोलते नहीं पता, लेकिन इसको ऐसे अगर घुसा के ना यहाँ पर फसाया हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पानी वानी में भीगने के बाद ये गम निकल जाएगा, फिर आपका फ्लैप खुल जाएगा, वो सारी चीजें इसमें नहीं होगी। अभी तक हमने जितना भी स्लाइडर देखा ना, वन ऑफ द बेस्ट स्टाइलिश स्लाइडर है। इस स्लाइडर को पहन के आप आराम से हल्की फुल्की आउटिंग भी कर सकते हो। ऑलराइट, अभी हम देखने वाले हैं 450 रुपए के आसपास में मिल रहे स्लाइडर। इस रेंज में ना मेरे पास 2 स्लाइडर्स हैं। यहाँ पर हम जो पहला स्लाइडर देखने वाले हैं किसी एक नन ब्रांड का है, इसमें आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती है। इसी तरह से पैकेजिंग में आया था, अंदर में आपको वैसे कागज मिल जाएंगे जो कि इसके शेप को ना मेंटेन रखते हैं, ये रबर खराब नहीं होता। हालांकि स्लाइडर के डिजाइन देखोगे ना, बड़ा ही
खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। थोड़ा सा इसमें सैंडल टाइप की डिजाइनिंग ऐड की गई है। ब्लैक कलर का पूरा स्लाइडर है, पूरा फोम का बना हुआ है और एक ही पीस से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ऐसा चिपकाया हुआ है या कहीं पे हुक जैसा फंसाया हुआ है, पूरा एक सिंगल बड़ा सा रबर या फोम पीस है। वहीं इसके ऊपर दो आपको बड़े बड़े स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगे जिससे वो सैंडल वाली थोड़ी सी लुक आती है। और पीछे यहाँ पर आपको एक फ्लैप मिल जाएगा जिससे आप अपने एंकल को फंसा कर वो सैंडल वाला मजा ले सकते हो एक स्लाइडर में। नीचे में आपको हल्की हल्की ग्रिपिंग मिल जाएगी जिससे आपका पैर स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि देखो मेरे पैरों में ना बहुत ज्यादा पसीने आते हैं खास करके ठंड में। आपको आते कि नहीं मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये सारी चीजें होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही नीचे आपको बहुत सारे ग्रूव्स मिल जाएंगे जिससे आपका ये स्लाइडर स्लिप लिप नहीं करेगा। हालांकि ये पूरा फोम का बना हुआ है, अब इसे सैंडल समझो या स्लाइडर समझो, देखने में बड़ा कूल लगता है। साथ ही अपना वो स्लाइडर वाली दिमाग में ना फीलिंग हटाकर इसे अपना कैजुअली भी बहुत आराम से पहन पाओगे, क्योंकि ब्लैक है आराम से हर आउटफिट के साथ चला जाएगा। ऑलराइट, जो 450 में एक और स्लाइडर ले सकते हैं वो ले सकते हैं ये भैया को, यानी अक्षय कुमार को नहीं बल्कि स्पार्क को। देखो मैंने स्पार्क को बहुत ज्यादा प्रमोट करता था पहले, लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि इस कंपनी के ना ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। जूते में भी बहुत कम नए पीसेज आते हैं जबकि कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। वैसे ये टिपिकल आपको स्पार्क का बॉक्स मिल जाएगा, प्राइसिंग अब लिखी गई है 499, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन आपको बता दूं 450 में आपको मिल जाएगा। प्रॉपर एक ब्रांडेड पैकेजिंग है एंड वाओ, रबर के शेप को खराब नहीं करने के लिए अंदर में आपको ये पेपर वेपर मिल जाएगा। वैसे अगर स्लाइडर को एक नजर में देख के बोलूं ना, क्लीन एंड सेक्सी लग रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि क्यों आखिर मैं बहुत ज्यादा ब्लैक 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 ऐसा करके दिखा रहा हूं आपको, तो आपको बता दूं कि ब्लैक एक ऐसा कलर है ना जिसका गंदा होने का डर ना बहुत ज्यादा कम होता है, आराम से आप मल्टीपल आउटफिट्स के साथ पहन पाओगे। तो अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड की बात करें, ऊपर वाला फ्लैप में आपको स्पार्क की ब्रांडिंग मिल जाएगी, पूरा स्मूथ रबर का बना हुआ है। वहीं अगर इसके इनर कुशनिंग की बात करें ना, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी मुझे इसकी इनर कुशनिंग, नीचे में आपको स्पार्क की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साथ ही अगर इसके इनर पार्ट की डिजाइनिंग देखोगे ना, तो हील के पास में ना आपको थोड़ा सा ना डीप कट देखने को मिलेगा। जब भी आपने कभी स्लाइडर पहना होगा, ऐसा कई बार होता है कि आपके पैरों से ना स्लाइडर निकल जाता है चलते चलते, यहाँ पे अगर आपका हील फंस जाएगा ना एक बार, तो बहुत आराम से नहीं निकलेगा, आपको प्रॉपर निकालना पड़ेगा तो निकलेगा। एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, छोटी सी चीज है और अदर ब्रांड्स भी कर सकते हैं। साइड में आपको हल्का सा आर्च सपोर्ट मिल जाता है, तो पैर जहां पर ऐसे अगर टूंच ऐसे अगर मुड़ा रहता है ना, वहां पर एक सपोर्ट मिल जाता है, लिफ्ट फील होती है आपको पैरों में। इसका जो आउटर सोल है इनर सोल से ना थोड़ा सा उभरा हुआ है, साथ ही नीचे आपको ग्रिप्स मिल जाएंगे, नीचे आपको स्पार्क की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली पैर में पहन के मैं कैसा लग रहा हूं ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। थोड़ा सा इसमें ना शाइन और मैट के टेक्सचर्स को ना मिला के बनाया गया है, ओवरऑल बहुत ज्यादा खूबसूरत एक बजट ऑप्शन है आपके लिए। ऑलराइट, सो हम आ गए अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइडर की तरफ, सीधा 400 से हम जंप कर रहे हैं 1400। इसके बीच में बहुत ज्यादा ऐसे अच्छे ऑप्शंस नहीं थे। देखो मेरा क्या कहना है ना कि अगर आप चप्पल ले रहे हो तो भाई 400 के अंदर में ही आ जाने चाहिए, क्योंकि है तो वो एक चप्पल ही, खाने वाला काम क्यों करता है अपना दाम बढ़ा के। लेकिन अगर दाम बढ़ रहा है तो उसमें आनी चाहिए कोई बहुत तगड़ी ब्रांडिंग या कोई बहुत तगड़ा पीस जिसको देख के मुझे लगे कि हाँ चलो ये इस चीज का है तो फिर पैसे हम दे देंगे। तो यहाँ पर आ जाता है इकलौता ब्रांड, आ रहा है क्रॉक्स भैया। यहाँ पर आपको क्रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी और प्राइसिंग यहाँ पर अनाप शनाप होगी, 3495 रुपए फॉर अ चप्पल, खाने वाला काम इसीलिए करते भाई। गलत भी हो सकता हूँ भाई, बहुत ज्यादा ही अलग पीस है। शेप मेंटेन रखने के लिए आपको कागज वागज मिल जाएगा, फिर से मॉल से उठा के भेज दिए यहाँ पर। एक और क्रॉक्स क्रॉक्स का आपको टैग वैग लाइट राइट टेक्नोलॉजी ये वो मिलता है। वैसे अगर स्लाइडर की बात करें ना, इसका पूरा पर फ्लैप्स फिर से रबर का बना हुआ है, बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे आपको वेंटिलेशन के लिए। साइड में आपको क्रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो की इम्बोज्ड है। साथ ही इसके आउटर सोल की बात करें ना, तो आउटर सोल जो ये ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये नॉर्मल आपको स्लाइडर जैसे ही दिखेगा जैसे दूसरे स्लाइडर्स में होता है। पीछे में आपको क्रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे में आपको क्रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ग्रिप्स अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन तगड़ी बात क्या है ना, इस पूरे स्लाइड के अंदर में यानी आपका जो फुट बेड है जहां पर आप अपना पैर को सुलाते हो, लोरी सुनाते हो, वहां पर आपको एक डिफरेंट टाइप का फोम मिलता है। ये वाला जो ग्रे पार्ट आप देख रहे हो, यहां पर आपको बहुत तगड़े पहले तो ग्रिप्स मिल जाएंगे जिससे आपका पैर एकदम मस्त मखमल जैसा फील करेगा। साथ ही यहां पर आपको एक लिखा हुआ चीज मिलता है, लाइट राइड बाय क्रॉक्स, ये इनकी अपनी सीरीज होगी। हालांकि काम की बात करें तो अगर इसको अपने उंगलियों से दबाऊंगा ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होता है और ऐसा लगता है ना कि मैंने किसी बहुत अच्छे स्केचर्स या न्यू बैलेंस के जूते को पहना है, ये उस लेवल की कुशनिंग है। तो ये चीज तो है अलग इस क्रॉक्स में। अगर आपको कुछ बड़े ब्रांड्स या अच्छे ब्रांड्स पहनने की इच्छा होती है या आप वही पहनना चाहते हो तो फिर आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। अगर आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, आपके हील में पेन होता है, एंकल में पेन होता है और आपको कुछ अच्छा कंफर्टेबल चीज चाहिए जिससे आपके पैरों के दर्द दूर हो जाए, तो आप इसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एकदम कम पैसों में एकदम जबरदस्त मस्ती चाहिए
चाहिए ना, इसमें आपका बटुआ भी ना ढीला हो और आपका पैर भी एकदम खिलखिला उठे, तो आप उन सारे बहुत सारे इससे पहले हमने जितने भी स्लाइडर्स देखे उनके लिए जा सकते हो। सारे प्रोडक्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो चली गई मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश, बूम।